और मेरा आ गया है बफे बॉक्स। मैं आई थी अपने घर और हम लोगों ने ना बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग चैलेंजिंग वीडियोस भी शुरू करी हैं, तो मैंने सोचा भाई बहनों को ट्रीट दी जाए और हमने मंगवा लिया घर पर। पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने मंगवाई थी दैट वॉज नॉट गुड, मतलब बिल्कुल मज़ा नहीं आया था उसे देखते ही। ये लग रहा है कि इसके अंदर हमने कुछ मंगवाया है, बॉक्स ऑफ हैप्पीनेस मैं इसे बोल सकती हूँ। क्लेवन ग्रिल से हम लोगों ने मंगवाया था, इसके अंदर काफ़ी सारे आइटम आए एंड इट इज़ वेरी हैवी। तो जल्दी बातें नहीं करूँगी ज़्यादा, काम करते हैं, ओपन करते हैं इसे। क्या बात है। और ये मेरे दही और गुलाब जामुन कुछ हेल्थ हुए नजर आ रहे हैं। ये हमें मिले हैं गुलाब जामुन, शुरुआती मीठे से हुई है, क्या बात है। और ये है हलवा, प्याज सिरके वाली चटनी पूरी, रेस्टोरेंट की वाइब देने की कोशिश की गई है एंड वी गॉट द रायता। इसको करते हैं साइड में, आ जाओ पहले आपको ऐसे दिखा देती हूँ। काफ़ी सारा है सामान, ये है आई गेस पनीर, दाल, नूडल्स और ये हैं हमारे स्नैक्स, स्वीट कॉर्न मिले हैं और ये है दही के कबाब, स्प्रिंग रोल भी है और ये देखो अभी ना जल्दी जल्दी ओपन करेंगे। चिली पोटैटोज लुक सो यम्मी, इसके साथ यहाँ पे मंचूरियन मिला है हमें। ओए होए खत्म नहीं हो रहा है बॉक्स पिटारा। दो कोल्ड ड्रिंक मिली है पूरी फैमिली के लिए, दो कोल्ड ड्रिंक तो हमारी ऐसी गायब हो जाएगी, तो दो बंदे पी जाएंगे। और ये हमें मुझे बॉक्स पड़ा है 1100 रुपए का, जो कि मुझे बहुत ज्यादा वर्थ लग रहा है। अभी टेस्ट देखते हैं कैसा होने वाला है। ये है हमारी ब्रेड्स और ये क्या है मैं आपको मेन्यू में से देख के बताऊंगी, ओपन करेंगे तब पता चलेगा। ये देखो पनीर टिक्का, तेल अच्छे वाली प्याज और भी इसके अंदर बहुत सारा सामान है, खत्म ही नहीं हो रहा। ये खाने का खजाना है क्या, मतलब एक बार मंगवा दिया और खत्म ही नहीं होके दे रहा साले, क्या बात है। और एंड में हमारे आते हैं दही बल्ले, जो कि मुझे मतलब मजा सा आ गया। और भी कुछ है क्या? नहीं इतना ही है, लेकिन काफी ज्यादा है, काफी कुछ है जो कि रुक नहीं रहा। बाप रे, अभी जल्दी से इन सबको ओपन करती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ। बल्ले बल्ले हुए ये वाला खाना देख के, मतलब 1100 रुपए में इज लाइक मोर देन वर्थ, क्योंकि लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा नहीं था। ठीक है, स्टिल मैं लिंक डाल दूंगी ऊपर, आप लोगों को मिल जाएगा, अगर आपको देखना हो तो आप देख लेना। पहले ये वाला देखते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। तो ये है तंदूरी आइटम, जल्दी से प्लेट उठा लेते हैं अपनी और सजा लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे आइटम है, मैंने बहुत सारी चम्मचें रख ली हैं क्योंकि ये सब हम लोग मिल के इंजॉय करने वाले हैं। तो ये हमें यहाँ पे मिली है तंदूरी चाप और पनीर, तो मैं अभी चाप खाऊंगी, पनीर घर वाले के लिए छोड़ देते हैं। बहुत ही यम्मी लग रहा है और मेरे को लगा था कि इसके अंदर होंगे नूडल्स, बट ये तो निकले राइस, बिरयानी राइस। बिरयानी का बनाने का स्टाइल अलग होता है, पुलाव का बनाने का स्टाइल अलग होता है, आपको क्या ज्यादा पसंद है बताना। ये है दाल मखनी, काफी ज्यादा रिच और काफी ज्यादा क्रीमी दिखने में। और ये देखो आप, ये पता नहीं कौन सा आइटम है, इतना तेल, बाप रे। बट मम्मी ने ना एक चीज बताई है कि खाने में मतलब ग्रेवी में अगर तेल अलग हो जाए तो इसका मतलब है कि सब्जी पक चुकी है अच्छे से। और थोड़ा थोड़ा लेते हैं। ये वाला है हमारा शाही पनीर एंड मुझे इस तरीके का शाही पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है, जो ऐसे क्रीमी टेक्सचर में होता है। ऋषि को पसंद है मसाले वाला और ये थोड़ा सा बना लेते हैं। इतने सारे आइटम हैं कि अभी मैं सिर्फ बताते बताते थक गई हूँ। ये है दही बल्ले और ये बहुत मस्त लग रहे हैं। सैलेड सेक्शन के हमेशा पास में होते हैं, पर हमेशा दही बल्ले ना मैं लास्ट में उठाती हूँ, जब मेरी प्लेट भर जाती है ना, अगर मुझे जगह दिखती है तो मैं बाउल में अक्सर बफे के अंदर तब लेती हूँ दही बल्ले, हमेशा मैं लास्ट में लेती हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे हैं। और ये है हमारे स्वीट कॉर्न और ये है हमारे पोटैटो बाइट्स। मुझे लगा था कि ये दही बल्ले वो है दही के शोले, बट दही के शोले नहीं है और प्लेट मेरी भरती जा रही है। ये स्प्रिंग रोल अभी भी क्रिस्पी है काफी। ये है हमारे दही के कबाब, आई विल टेक वन स्प्रिंग रोल, मुझसे ना इंतजार नहीं हो रहा, तो सबसे पहले बाइट इसकी लेती हूँ। शुरुआत हुई है बहुत बढ़िया, अंदर की फिलिंग काफी यम्मी, चटनी जबरदस्त। थोड़े से लेते हैं मंचूरियन क्योंकि मुझे मंचूरियन बहुत ज्यादा पसंद है और मेरी प्लेट ऑलमोस्ट भर चुकी है, तो दैट्स इट अभी के लिए इतना ही, बाय। अगर आपका मन कर रहा है कोई गेट टुगेदर करने का और खाना बनाना किचन में नहीं जाना है और आपकी
आप भी मेरे जैसे स्विगी वाली बहू हो, ऑनलाइन वाली बहू हो, तो आप भी अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए ऐसे ओकेजनली मंगवा सकते हो। ब्रेड्स में हमें 3 लच्छे और 3 नान मिले हैं, यहाँ रख देते हैं। और मैं लेती हूँ लच्छा पराठा, जगह नहीं है लेकिन फिर भी लेट्स सी। यार वो खा के ना मज़ा आ गया, स्प्रिंग रोल। मैंने ये वाली सब्जी से ट्राई करती हूँ, हमारी ये है चाप मसालेदार, तो मैं लेती हूँ चाप मसालेदार। इट्स लाइक टैंगी स्पाइसी, जैसे रारा चाप होती है ना उस तरीके का थोड़ा टेक्सचर है। और अब लेते हैं हमारी दाल मखनी। दाल मखनी ना ऐसी होनी चाहिए, रिच रिच। अभी तक का खाना बढ़िया जा रहा है, पैकेजिंग इज गुड, टेस्ट इज गुड, प्राइस इज वेरी गुड, तो बहुत सही है। मीठे में भी 2 आइटम्स दिए हैं, रायता दिया है और शाही पनीर। अगर ये बढ़िया हो गया ना तो अगली हाउस वार्मिंग पार्टी में मेरे यही आने वाला है। ओए होए, दिस इज सो गुड भाई। ग्रेवी आइटम मज़ेदार, थोड़ा सा एक बार ड्राई आइटम भी ट्राई कर लेते हैं, हमारी तंदूरी चाप। और थोड़ी सी बेटर हो सकती थी बट ठीक है, कभी कभी 80-90 हर चीज़ में हो जाता है। और आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि हम अगला वीडियो कहाँ का लेकर आएँ, कौन से शहर का लेकर आएँ, कौन से शहर में बफे ढूंढ के निकालें आप लोगों के लिए। ये सब इंजॉय करूँगी मैं अपनी फैमिली के साथ। और ये खाना खिलवाने के लिए ना मैं उनके साथ करने वाली हूँ एक चैलेंज, तो वो चैलेंज अगर आपको देखना है तो आप जाके मन चले पे चेक कर सकते हो। वहाँ हम लोग अपनी पूरी फैमिली कजन सबके साथ बहुत मस्ती करते हैं, बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, और कोई जीतता है ना तो उसे कभी मिलता है पिज्जा, तो आज मिलेगा उसे ये बफे बॉक्स। आप लोगों से मिलते किसी और वीडियो में, बाय बाय। ये वाला खाना खा के मुझे तो मज़ा आ गया, आपका क्या कहना है इसके ऊपर कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और बाय बाय। एंड में मैंने ना ही स्वीट कॉर्न ट्राई करे थे, मुझे लगता है कि इसको हटा ही देना चाहिए बिकॉज ना ये क्रिस्पी है और बिल्कुल ऑयल अंदर तक भर चुका है। बस एक ये डिसअपॉइंटमेंट रह गई थोड़ी सी, बाकी दही बल्ले मीठी दही ठंडे ठंडे। बट स्वीट कॉर्न अगर ये मेन्यू में से हटा के कोई और आइटम डाल देंगे ना वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा हमारे खाने वालों के लिए भी और उनके लिए भी आएंगे।